इसका जवाब क्या था? शकील भाई का। कभी वीडियो देखा नहीं शकील भाई का? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट माइंड। तो आज हम इस पे फर्स्ट टाइम रिएक्शन वीडियो देने वाले हैं, और पहले हमने कभी रिएक्शन वीडियो दिया नहीं है, इसलिए मुकेश की हंसी निकले आ रही है क्योंकि वो पहली बार कैमरे के सामने आया है। इसलिए हम कभी कैमरे के सामने आके वीडियो नहीं बनाए हैं, तो हमने सोचा कि चलिए रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। तो मैंने इससे पूछा कि सबसे पहले रिएक्शन वीडियो क्या बनाए, इसका जवाब क्या था? शकील भाई का। कभी वीडियो देखा नहीं शकील भाई का? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट माइंड। तो अपने चैनल पर मैंने पहले भी कुछ वीडियो डाली थी और उसमें कुछ खास रिएक्शन नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलो एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी। तो मैंने कहा कि कोई मिले साथ में तो मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, तो उतने मेरा भाई मिल गया। गलती से सड़क से जा रहे थे, सड़क से जा रहा था तो इसको यार पकड़ लिया, चलो भाई वीडियो बनाने हैं, टिकटॉकर जैसे वीडियो बनाने हैं। मैं इसका चेहरा देखा रास्ते में जा रहा था, मुंह उतारी हूँ, मैं भाई इंजीनियर ही है, मैं इसकी शक्ल देख के समझ गया इंजीनियर है, ये तो मुंह उतार रहा था। चलो ठीक है भाई, कुछ तो कर नहीं रहे हैं, कुछ वीडियो बना कर नहीं रहे तो यही कर लेते हैं, चलो तेरे साथ तेरे ही साथ। मैं सोच रहा था कि पहले कौन सी वीडियो में रिएक्शन दूँ, तो फिर मैंने मुकेश से पूछा डिस्कस कर, तो वो हमने कहा चलो भाई शकील भाई की वीडियो में अपन रिएक्शन देते हैं। तो देखते हैं अपन एक वीडियो पे, एक वीडियो हमने चूज़ करा है उस पर रिएक्शन देते हैं। इसमें कभी देखा नहीं शकील भाई की वीडियो? नहीं, ज़्यादा तो नहीं देखे, पर कभी कभी देख लिया करें, जब पहले मोबाइल आते ना कीपैड वाले, हाँ वहाँ देखा करते थे, अपन गाँव वाले भाई लोग आ गए तो दिखाते रहे बहुत सारी चीज़ें, तो अपन देख लेते रहे कभी। इतना फेमस इंसान है यार, बाकी फेमस है, सुने सबको फेमस कर देते हैं। तो हमने काफ़ी डिस्कशन के बाद एक वीडियो चूज़ करी, क्या नाम है उसका? सार्वजनिक सुहागरात बाय शकील एंड उर्वशी। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शकील विथ हिज दुल्हन उर्वशी। ये दही बड़े का मटका किसने रखा हुआ यहाँ पे? अच्छा बीवी है ये, अल्लाह कोई सामान अच्छा निकाल देना। हाँ क्योंकि अब्बा के पैसे बहुत लग गए हैं। अगर कोई आड़ा टेढ़ा माल निकला है मैं तो पसड़ जाऊंगा, चीनी लेने आया था भाई। अब्बा का खर्च हुआ, अब्बा ही घूंघट उठाएगा, नफा नुकसान उन्हीं का। कुछ बोल नहीं रही है, जिंदा भी है कि नहीं चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हिल जुल रही है, जिंदा है। अब्बा पैसे सही जगह लगे हैं भाई, बस अब वसूल करना बाकी है। पहली शादी है ना, मैं तो पेचकस पलास पाना सब ला रहा था, दोस्तों ने कहा सुहाग रात है क्या, इंजन खोलने जा रहा है। समझ नहीं आ रही ना, पहली शादी है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम भी उम्मीद से होगी। तुम कहाँ से होगी, पहली रात है आज तो। और सुनाओ बच्चे कैसे हैं? क्या बकवास यार, पहली शादी है, किसी ने बताया भी कुछ नहीं। हाँ तो दोस्तों ने कहा था रोब में ले लेना पहली रात को। पत्नी जी, बीवी जी, बहन जी, एक कदम में कुछ नहीं होता भाई। आप लोग सोच रहे हो रस्सी लेके क्यों आया हूँ यार, परसों ही मेरे दोस्त की बीवी ना सुहाग रात को भाग गई, मैंने कहा बांध के सारे काम करूंगा। तुम्हें पता है जानू शादी में कितना मजा आया, मेरा मतलब है शादी में उपटन बहुत लगाते हैं ना, ओए उपटन पीले रंग का होता, तुम्हें तो पता है, उससे रौनक आती है, चेहरे पे नूर आता है दूल्हा के। औरतें ऐसी मोहल्ले की कमीनी हमारी, जो भी पीली चीज ले मल दे मेरे पे, वो तो शुक्र है घर में कोई बच्चा नहीं था। तो पीली चीज दिखे ये ले, अजीब मसला हो जाता फिर है ना। तुम्हारा बाप तो बहुत ही कमीना भाई, खुदाई अपनी बच्ची की शादी की बारात में खुद ही पैसे लूट रहा है मनुष्य, मेरे बाप को चांस ही नहीं दे रहा वो। मैंने भी तेरे बाप को टंगी दी, मैंने तेरा बाप सीधा एक औरत पे जाके कर तुम लोग उठाने लगे, कमीना करा आधे घंटे से पहले मत उठाना। उठाने भी याद आया मुझे भी तो कुछ उठाना है, हाँ घूंघट उठाना है मुझे। जाहिद भाई जरा आके हाथ दीजिएगा, घूंघट नहीं, आप हिस्सा मांगने लगेंगे थोड़ी देर।
फायदा भेंगी अब्बा तुम्हारे 50,000 डूब गए तारीफ करूं आंखों की करना पड़ेगा माशाल्लाह क्या झील जैसी आंखें दिल करता है इसमें डूब जाऊं फिर डर लगता है निकलूंगा कैसे किनारे तो सारे टेढ़े हैं अबे इधर देखना मुझे देख रही है ये सही है तू मुझे देखेगा अब्बा खुश हो रहा होगा माशाल्लाह अबे बोलती क्यों नहीं है गूंगी भी है अब्बा चाइना का माल पकड़ा दिया अबे तो डिस्पोजेबल बीवी है एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी तुम्हारे खानदान में कोई पूरा नहीं है माशाल्लाह से भाई वो तेरा चचा था यार उसका तो एक हाथी नहीं है हाँ यूं ही था कमीना कितना बदनसीब है पतंग लूट लेगा उतार नहीं सकेगा उतारने क्या हो गई है ना माशाल्लाह दुआ मांगता आधी कबूल होती है अल्लाह करे मेरा बाप मरे नहीं जी मरे तक कबूल हो जाती क्या और वो तेरा दूसरा चचा जिसकी वो इतना अच्छा डांस रहा था तेरी शादी पे हाँ उसके दोनों हाथ नहीं है हाँ नाच रहा था मैंने कहा बहुत अच्छा नाच रहा बोला नाच को ना मुझे तो खुजली हो रही है उससे कमीने से मैंने पता पूछ लिया गफार भाई कहाँ रहते हैं पता कैसे बता रहा है सीधे निकल जाओ राउंड अबाउट आएगा गली में घुस जाओ सीढ़ियाँ चढ़ा डाम 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 मैंने कहा मैं चढ़ गया बोला गलत चढ़ गया दूसरे फ्लैट में मैं तेरे बाप का नौकर हूँ और तेरा मामू दूर खड़ा हुआ था मैंने उसको सलाम किया मैं डर गया मैंने कहा सलाम अलैकुम और जो चल के आया हाँ भाई क्या हाल है मैंने उससे पूछा जनाजे को कंधा दिया बोले एक दफा दिया था लोगों ने बहुत मारा भाई तेरा हमारा बाप मर गया तू नाच रहा है मनुष हैं कितना बदनसीब है नहाने जाता होगा सूखा ही बाहर आ जाता होगा झरना खोलता होगा वो तो नहाएगा कहाँ बंद हो जा और वो तेरा भाई बहन उसके तो नाक ही नहीं है दो सुराख बने हुए दिल कर रहा पलक गुजर के स्त्री गरम कर लूं और मनुष आगे करे आजकल जुकाम बहुत रहता मैंने कहा कहाँ रहता है ना हमारा सत्या ने मुझे देखना अच्छा उधर आ जाऊं अब इसका तो सिस्टम ही उल्टा है सारा वो भी उल्टी हो गई मुंह दिखाए मैं क्या दूंगा तो किलो वाला चप्पल लाना भूल गया मैं मुंह है इसका भी बैरी नहीं है गूंगी है गूंगी बस बच्चे कितने होंगे जैसी कंपनी ना प्रोडक्शन भी ऐसी आ गया हनीमून कहाँ मनाएंगे साउथ अफ्रीका के जंगल में हाँ वहाँ शेर आएगा मैं कहूँगा देखो हिरन आ रहा है तू तो है ही भेंगी तुझे हिरन ही दिखेगा जा गोद में उठा तू उठाने जाएगी तेरी लाश उठा के लाऊंगा वहां से और बद्दुआ दे रही है तू मरे तेरा सतिया ना जा तेरा बेड़ा करा को चल दफा अबे ना मेरी समझ में आ रही है ना इसकी समझ में आ रही है इसके जैसे ही हो जाओ मैं भी भेंगा गूंगा था अरे दा 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 वाकई में जब ऐसा ही है बिल्कुल गुड टाइमिंग बिल्कुल यानी कि अगर कोई कुछ बीच में अगर गलती भी हो जाए ना उनसे तो आपको पता ही चलेगा कि इन्हें गलती कर दी है इसमें भी आपको हंसा देंगे भाई हर एक चीज़ में हंसना ही है मतलब कि एक्टिंग नाम की चीज़ है मतलब एक्टिंग है जैसे एक बार मैंने इनकी वीडियो देखा था तो शाहरुख खान आया था इनकी मतलब गेस्ट रहे शाहरुख खान तो सब ने पूछा कि मतलब शाहरुख खान आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा तो शाहरुख खान कहते हैं मैं इनको बचपन से देखता आ रहा हूँ और मैं इनसे सीखता हूँ शाहरुख वाले नहीं थे अच्छे कुमार शाहरुख था शाहरुख शाहरुख खुद कहता है कि मैं इनसे सीखता हूँ
सीखता हूँ, और जिसको भी अगर थिएटर सीखना हो या फिर कमेंट्री करना सीखना हो तो इनसे सीख सकता है भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वाकई में भाई ये। लेकिन लेजेंड होते हैं, और चाहे वो जहाँ भी रहे किसी जगह के, लेकिन टैलेंट हर जगह चलता है। चाहे वो टैलेंट कोई बॉर्डर नहीं देखता, टैलेंट कुछ नहीं देखता, टैलेंट बस चलता जाता है। खैर इसी के साथ कहना चाहूँगा अगली वीडियो का इंतजार, अच्छी लगे वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हम दूसरा वीडियो बना सकें आपके लिए, और सपोर्ट करें कि हम लोग थोड़ा, हम लोगों ने जो हमारी जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा तो हमने थोड़ा सेट किया हुआ है, हम लोग अपने कारखाने में फिलहाल यही काम कर रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा चलो कुछ करते हैं। डिंपल बिल्कुल पड़ते देख, डिंपल बनाने का सबसे आसान तरीका जानते का, एक ब्रेंच उठा है ना, दे हम खटाखट खटाखट कील मार दे। नहीं रहने दे भाई, ऐसे ऐसा डिंपल मेरे को ना, तू बना अच्छा खासा, तू अच्छा लगेगा, तू अच्छा लगेगा, तू बना, तू बना। ठीक है, ओके, बाय गाइस, बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जानती, बाय बाय, बाय बाय, सुबह मिलते हैं फिर से, हैव अ गुड डे।